cool stuff. बस हो गया जी, क्या बात है? भागने की जल्दी है क्या? कोई प्रश्न कर रहा है, सूर्यवंशियों की अम्मा कौन है? अच्छा, आदि में कोई दूसरी होती है, अंत में कोई दूसरी आत्मा होती है, ऐसे भी होता है? अरे, तीन देवताएं हैं, उनकी तीन स्टेजेस हैं, ब्रह्मा, उससे ऊपर विष्णु, और सबसे ऊंची स्टेज वाला शंकर। तो जो ऊंच से ऊंची स्टेज वाला होगा वो ग्रुप पहले निकलेगा, पहले बाप को पहचानेगा, या कोई दूसरे ग्रुप पहचानेंगे? कहा जाता है देव देव महादेव, शिव के साथ उस महादेव का नाम जोड़ा जाता है, विष्णु का भी नहीं, ब्रह्मा का भी नहीं, कोई देवता का नहीं। इसीलिए जोड़ा जाता है कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत और एक कुल का फाउंडेशन डालने के लिए निमित्त एक बनता है। और जो एक निमित्त बनता है उस एक की प्योरिटी प्रैक्टिकल में संसार में प्रत्यक्ष होती है या सिर्फ गायन मात्र है? प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होती है एवर प्योर, तुझे एवर प्योर है, उसके साथ रुद्रमाला में कोई दूसरा मणका भी चाहिए। जो प्योरिटी का पार्ट बजाने वाला हो,
वो उस ग्रुप में होना चाहिए, उस माला में होना चाहिए, जो माला रूपी संगठन सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए शंकर के मस्तक के ऊपर 8 मणकों की माला दिखाई जाती है। वो 8 ही नंबरवार होते हुए भी, क्योंकि अलग अलग धर्मों के पूर्वज साबित होते हैं अपने अपने आखिरी जीवन में, आखिरी जन्म में। वो पूर्वज आत्माएं जो हर धर्म का सात्विक 100% तत्व प्रधान फाउंडेशन डालने वाली है, वो सूर्यवंश से निकलती है। तो जरूर उनमें हर धर्म के पूर्वज विराजमान हैं। और वो सूर्यवंश से ही हो सकते हैं। क्योंकि और वंशों की जो बीज रूप आत्माएं होंगी, उनमें तो सूर्य के समान कचरे को जलाने की ताकत ही नहीं है। वो 8 ही सूर्यवंशी बच्चे मणके आदि से अंत तक 12 के सहयोगी बनकर रहते हैं। ये उनकी प्योरिटी की ही पावर है। जो एवर प्योर बाप का सहयोग देती है, सहयोग से यूनिटी बनती है, यूनिटी से प्योरिटी आती है। खास करके कलयुग के अंत में संघो शक्ति ही कलौ युगे गाई जाती है। नहीं तो अकेला बाप कुछ नहीं कर सकता। उन 8 ही मणकों में 2 मणके पक्के स्वधर्मी है, जो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं। एक है बाप और दूसरा है चंद्रवंश का बीज। सूर्यवंशी धर्म का सहयोगी बीज। हर प्रकार के बीज रुद्रमाला में पाए जाते हैं। प्योर सूर्यवंश का बीज भी है, तो चंद्रवंश की शीतलता अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन डालने वाला भी बीज
सूर्यवंशी 8 मणुकों के अंदर ये है। जैसे बाप योग बल से विश्व की बाता ही लेता है, वैसे वो सहयोगी मन का भी योग बल से विश्व की बाता ही लेता है। इसलिए उसके काम के आधार पर उसका नाम ही पड़ा है योगिनी। भक्ति मार्ग में उसका नाम दिया गया है काशी। काश्य से बना है काशी। काश्य कहते हैं याद का तेज, और याद का तेज ऑटोमेटिक उसमें भरता है जिसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी समाई हुई हो, नहीं तो संगम युग में स्पेशल पुरुषार्थ करना पड़ता है याद का। और वो स्पेशल पुरुषार्थ मूर्ति के रूप में शंकर के चित्र में दिखाया गया है। याद की अवस्था का चित्रण है। उनकी प्यारी नगरी है काशी नगरी। जो जैसे संस्कारों वाला होता है उसको वैसे ही संस्कार वाला प्रिय होता है, प्यारा लगता है। इसलिए शंकर का खास गायन है। काशी को आनंद कानन की उपाधि दी है। कानन जंगल को कहा जाता है। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में आनंद कहां से आया? परंतु काशी नगरी ऐसा फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनती है जहां कांटों के जंगल में भी आनंद बिखेर देती है। ये प्योरिटी के आधार पर योग का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के लिए गायन है भक्ति मार्ग में कि काशी में जाकर जो मरेगा वो अमर पद पावेगा, देवत्व पावेगा, स्वर्ग में जावेगा। अर्थात सही स्थिति को प्राप्त करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में काशी में जाकर कुएं में कूदते हैं। तो बाप कहते हैं उनके पूर्व जन्म के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, परंतु वहां तो भक्ति मार्ग है, नए सिरे से फिर पाप करना शुरू कर देते हैं तेजी से। और यहां तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त दिल्ली नगरी नहीं बनती है, काली कलकत्ते की नगरी कलकत्ता भी नहीं बनती है।
मुंबा देवी की यादगार बंबई नगरी भी नहीं बनती है। काशी नगरी ही निमित्त है। जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनती है। ये फलों का राजा बनने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनका पहला पहला फूल है। जो फलों का राजा आम बोला जाता है, केला फलों की रानी कही गई है। भारत का आम और भारत का केला, ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। परंतु आम देश विदेश में जाता है, ये चैतन्य फलों की बात है। भक्ति मार्ग में सन्यासियों को आम फेंक फेंक करके मारते हैं। भक्ति मार्ग में वो पवित्रता का विशेष पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए उनको ये सौगात दी जाती है जो वैष्णवी का पाठ बजाने वाली है, वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सन्यासी का पाठ बजाने वाली है। बाप दादा ने तो आवाहन करने के लिए बोल दिया, विजयमाला का आवाहन करो। दूसरी तरफ मुरली में ये भी इशारा दे दिया कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। भक्ति मार्ग में तो सन्यासियों का आवाहन करते हैं, उन्हें निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। बीके वाले भी करते रहे, असली बात ज्ञान मार्ग की है। पवित्र आत्माएं ही पवित्र आत्माओं को आकर्षण करेंगी। दूध में दूध मिलता है, पानी में पानी मिलता है, कीचड़ में कीचड़ जाकर मिलता है। रुद्रमाला के जो दूसरे दूसरे धर्म के मणके हैं,
तो विकृत बुद्धि है, उनमें इतनी एकाग्रता नहीं आ सकती। जो श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन कर सके प्रैक्टिकल जीवन में, पवित्र आत्माओं का ग्रुप ही आवाहन कर सकता है। भक्ति मार्ग में जितने विद्वान पंडित आचार्य हुए भारतवर्ष के, उन सब ने वाराणसी नगरी को वरीयता दी। आज भी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। ये फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। त्रिदेव की तीन देवियां भी आखिरी संघर्ष करके मनसा में टेंशन लेने के बाद काशी नगरी की वरीयता को स्वीकार करती है। और त्रिदेव तो पहले से ही मानते हैं। कि दुनिया की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में प्योरिटी का फाउंडेशन डालने वाली नगरी काशी नगरी है। जहां वरुणा नदी गंगा से जाकर मिलती है और उसी समय गंगा भी तलवार का रूप धारण कर लेती है। ज्ञान तलवार बड़ी प्रसिद्ध है। और गंगा जैसी सन्यासिनी जो रुद्रमाला का बीज है, वो काशी नगरी में जाकर वर्णा नदी से मिलकर रुद्रमाला में सहयोगी बन जाती है। भक्ति मार्ग में गंगा नदी के किनारे पवित्र रहने वाले सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते रहे। वो सन्यासियों की भी मदद मिलती है। वरुणा नदी स्वयं भी सब नदियों में सबसे ज्यादा गहरी है। नदियों की गहराई भी बहुत प्रसिद्ध है। सागर की चौड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है। गहरापन तो है ही, तो काशी नदी विद्वान पंडित आचार्यों और सन्यासियों की वरीयता प्रदान करने वाली नगरी है। एक दिन ऐसा भी आवेगा कि सारी दुनिया को काशी नगरी की वरीयता स्वीकार करनी पड़े। जैसे परिवार में परदादी को माना जाता है,
राज परिवार में बड़ी माँ की ऊंची गद्दी होती है, उसे दादी माँ कहा जाता है, परंतु दादी की भी कोई परदादी है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रसिद्ध है, बेसिक में भी स्वभाव से निर्मल और शांत चित्त रहने वाली, शास्त्रों में काम के आधार पर नाम दिया है अनुसुईया, असूया कहते हैं ईर्ष्या जिस को, वैसे बाप का कोई भी बच्चों में ईर्ष्या देश नहीं होता, वो बेहद का बाप है विश्व पिता, उसका कोई भी बच्चों में ईर्ष्या देश नहीं है। आसुरी बच्चों को भी आगे बढ़ाने वाला है, आसुरी बच्चों के लिए भी सद्भावना रखने वाला है, तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली नगरी भी कोई भी आत्मा के साथ ईर्ष्या देश रखने वाली नहीं है, इसलिए उसका नाम अनुसुईया दिया है। वो अपना पति कोई देहदारी को नहीं मानती, देहदारी की पत्नी नहीं है, पति का नाम है अत्री, त्री माने तीन देव, अत्री माने जो तीन देवों से भी परे है, उसका नाम है शिव। परंतु वो साकार दुनिया में पार्ट बजाता है, तब उसका नाम पड़ता है शिव, अर्थात कल्याणकारी। परम धाम में रह करके कोई कल्याण नहीं करता, साकार सृष्टि में आकर के कल्याण करता है। वो ही शिव सत्य है और वो ही सुंदर है। शशि चक्र में जो 84 जन्म है मनुष्य के, उन जन्मों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगमयुगी जन्म का फाउंडेशन डालने वाला अत्री गाया हुआ है। भले एक ही शरीर में प्रजापिता की आत्मा भी पार्ट बजाती है, ब्रह्मा की आत्मा भी पार्ट बजाती है, अर्थात कृष्ण की आत्मा भी पार्ट बजाती है, शिव की आत्मा भी पार्ट बजाती है, और संपन्न बनने पर वो शरीरधारी स्वयं भी विष्णु बन जाता है। परंतु एवर प्योरिटी का पाठ बजाने वाला वो अत्री, जिसे शिव कहा जाता है, वो अलग आत्मा है, वो पाठ न प्रजापिता बजा सकता है,
न कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बजा सकती है, न वैष्णवी देवी बजा सकती है, न 33 करोड़ देवताओं में से कोई दूसरी आत्मा बजा सकती है। वैष्णवी में शिव प्रैक्टिकली प्रवेश करता है, प्रैक्टिकल कर्म कराने के लिए। वाचा की शक्ति या दृष्टि की पावर देने के लिए प्रवेश नहीं करता। परंतु रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश होता है। इसलिए रुद्रमाला के रुद्राक्ष मणके वो एक मुख वाले हैं। वो एक मुख वाला मणका विरल प्राप्त होता है। और दो मुख वाला भी है। शिव का मुकर्रर रथ एक ही है। वो रथधारी आत्मा जब संपन्न बनती है तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। वो फिर अन्य आत्माओं में भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है। और जिन आत्माओं में भी प्रवेश करती है उनमें काशी नगरी मुख्य है। काशी शंकर की प्यारी से प्यारी नगरी है। इसलिए उसको उपाधि दी हुई है आनंद कानन। नहीं तो स्वर्ग में फूलों का बगीचा होता है जहाँ सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कांटों के जंगल में इस दुनिया में कोई को आनंद नहीं मिलता। परंतु ये फाउंडेशन के समय की बात है। दुनिया में प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता है। यादगार है आज भी दुनिया में जो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां मल्टी स्टोरी के मकान बनाए जाते हैं उनको पर्दे से चारों तरफ घेर दिया जाता है ताकि दुनिया वालों की नजर न पड़े। सिर्फ बनाने वाले जाने, मालिक जाने, प्लानिंग करने वाले इंजीनियर जाने, प्रैक्टिकल मकान खड़ा करने वाले मजदूर और मिस्त्री जाने, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। ऐसी गुप्त फाउंडेशन डाली जाती है। नगरी का नाम ही दिया गया काशी नगरी, जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं उनकी याद का पुरुषार्थ भी गुप्त होता है। सेवा वाचा से की जाती है, दृष्टि वृत्ति से की जाती है,
कर्मेंद्रियों से की जाती है, वो सेवा प्रत्यक्ष हो जाती है। धन से की जाती है, वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन मन बुद्धि के संकल्प से, जो याद के बल की, योग बल की सेवा की जाती है, वो गुप्त रहती है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। भक्ति मार्ग में भी माना है, योग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिय दुराऊ। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाप की याद बनी रहे, बाकी बैठ करके जो याद की जाती है, तपस्या की जाती है, वो तो दिखावा मात्र हो जाता है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती है। नष्टो मोवा का ढोंग देखने में आता है। असली याद तो वो है जो चलते फिरते कर्म करते, उठते बैठते खाते पीते हर समय अंदर में लगन लगी रहे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसी आत्मा अपने ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में एक बार बाप की बनने के बाद माया कभी भी बिलग नहीं कर सकती। प्रैक्टिकल जीवन में जो बोला है अव्यक्त वाणी में, बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते, नहीं तो चाहे वैष्णवी देवी का ही पार्ट क्यों न हो, कनेक्शन कट हो जाता है। सर के ऊपर चढ़ी बैठी गंगा का ही पार्ट क्यों न हो, कनेक्शन कट हो जाता है। सूर्य पुत्री यमुना का ही पार्ट क्यों न हो, जो ब्राह्मणों की दुनिया में पहली योगिनी शक्ति के रूप में देखने में आती है, उसका पार्ट भी ऐसा चलता है जो प्रैक्टिकल जीवन में लंबे समय की कटिंग दिखाता है। जगदम्बा का ही पार्ट क्यों न हो, जो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली है। सारी रुद्रमाला का फाउंडेशन डालने वाली शक्ति, सारे जगत की अम्बा कही जाती है। उसका कनेक्शन भी कट हो जाता है। तो बाप कैसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं, जो कट होने वाला हो, याद से अंत तक चलने वाला हो, जो नर से नारायण बनता है, नारी से लक्ष्मी बनती है,
वो लक्ष्मी नारायण का जीवन आदि से लेकर के अंत तक ऐसे फाउंडेशन से उत्पन्न होता है जो आदि में भी विष्णु और अंत के जीवन में भी सन 36 में जब ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत होती है तब भी विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आदि तो अंत, परंतु उसका भी फाउंडर कौन है? कहेंगे काशी नगरी। और जोर से बोलो ना, अब पीछे बैठे आगे वालों को नहीं सुनाई पड़ा। जानवर का मुंह दिखाया, जानवर का मुंह दिखाया, दे अभिमान का पार्ट बजाएगा तो सीरत और सूरत जानवर की बनेगी या देवता की बनेगी? भगवान बाप आते हैं प्रवृत्ति मार्ग का पक्का फाउंडेशन डालने के लिए, ऐसा फाउंडेशन जहां देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन 84वें जन्म तक भी पूरा लोप नहीं होता, प्रायः लोप होता है। आज भी भारत देश में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-70 लोग एक परिवार में रहते हैं, एक चूल्हे का खाना खाते हैं, एक के अंडर में चलते हैं। ऐसा फाउंडेशन एक बेहद के बाप के द्वारा डाला हुआ था। गणेश जी अपनी शादी करके अलग अपनी झपली क्यों बजाते हैं? ये विदेशीयता नहीं है तो क्या स्वदेशी भारतीय प्रवृत्ति है? बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए? माँ बाप के साथ रहे, बाप एक पत्नी बनाने वाला है और वो कितनी पत्नियां बनाते हैं? है तो दो दो पत्नियां बनाते हैं। इसको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है क्या? और गणेश माँ का पुत्र स्पेशली है या माँ बाप दोनों का है या बाप का बेटा है? है तो जो माँ को विशेष मान्यता देता है और बाप से लड़ाई लड़ लेता है तो स्वदेशी है या विदेशी है? हाँ, क्या है? विदेशी साबित हो जाता है। बाबा ने भी मुरली में बोला है, सिंगल देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। हाँ जी, है धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे।
कन्याओं में प्योरिटी होती है और माताओं में उतनी प्योरिटी नहीं होती है, उनको कहा जाता है अधर कुमारी और कन्याओं को कहा जाता है कुंवारी कन्या का गायन है। लेकिन बाप आकर के दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूं। तो स्वर्ग के गेट दुनियावी माताओं से खुलवाता हूं या जो प्रैक्टिकल में शिव शक्तियां बनती हैं उनके द्वारा खुलवाता हूं, शिव शक्तियों के द्वारा खुलवाता हूं। और जो शिव शक्तियां हैं वो तो कन्याएं हैं, माताएं तो नहीं है। स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुलवाता हूं? माताओं के द्वारा। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं आखिरी जीवन में संगम युग में जन्म लेकर के कन्या क्यों नहीं बनी, बाप का बनने का मुझे सौभाग्य मिलता। तो माताओं को भी बाप आथत देते हैं कि माताओं को भी क्या बनाता हूं, है कन्या बनाता हूं। लेकिन सवाल ये है क्या कोई कन्या ऐसी है जो ये कहे छाती ठोक करके कि मैं शिव शक्ति बन चुकी हूं। दुनिया की कोई ताकत कोई माया रावण मेरे को प्रभावित नहीं कर सकता, मैं सदैव एक की संगिनी हूं। ऐसी कोई बनी है? तो माताएं अगर कहें कि हमको कन्या का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, बाबा ने तो बोल दिया कि माताओं को कन्या बनाता हूं। अरे कन्याओं में ज्यादा प्योरिटी की पावर है, वो पहले लक्ष्य को सिद्ध करेंगी या माताओं में प्योरिटी की पावर ज्यादा है जो लक्ष्य को पहले सिद्ध कर ले? कन्याओं में प्योरिटी की पावर ज्यादा है, चाहे तो पुरुषार्थ करके शिव शक्ति का टाइटल ले सकती है जो कि अभी तक कोई ने लिया नहीं है, ये सिर्फ लक्ष्य है। ऐसे ही माताओं के लिए बताया कि बाप आते हैं तो माताओं को क्या बना देंगे, कन्या बना देंगे। तो वैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा कि बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा? कन्याओं का ही लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ तो माताओं का लक्ष्य पहले पहले कैसे सिद्ध हो जाएगा? दो सैंपल रख दिए, कन्या कुमारी और अधर कुमारी। ब्राह्मण की दुनिया में अधर कुमारी का पार्ट किसका है, कौन है? जगदम्बा। अर्धकुमारी कहा, पहले कन्या थी या माता थी? है कन्या थी। कन्या होते हुए भी, माँ बाप के बंधन में होते हुए भी, समाज का बंधन होते हुए भी, बिन फेरे हम तेरे बन करके दिखाया। और ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी का इतना बड़ा परिवार तैयार हो गया। उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसे देख करके जैसा बड़े कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे करेंगे, इतना बड़ा परिवार तैयार हो गया।
तो कन्या को माता बना दिया ना, माता बना दिया माना क्या मतलब हुआ? क्या वो माता जो जगदम्बा का टाइटल लेती है वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसे ही जो माताएं हैं प्रैक्टिकल जीवन में शिव की संगिनी नहीं है, शिव की शक्तियां नहीं है, लेकिन बाप आदत देते हैं कि अगर बुद्धि से ऐसा पुरुषार्थ करें, तन की कर्मेंद्रियां भले बंधन में हैं, तो भी मन से ऐसा पुरुषार्थ कर सकती है, तन को मुर्दा बनाए करके मन को बाप की याद में उड़ा सकती है कि पवित्र जीवन जीने से उनकी आत्मा कन्या का अनुभव करे। लेकिन लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। क्या लड़ाई? कि बाबा ने बोला है माताओं को कन्या बना देते हैं, लेकिन हमको तो बनाया ही नहीं, हमको तो अभी भी माताओं की तरह गुआ छीछी वाला कर्म करना पड़ता है, कोई मान मर्तबा नहीं। दुनिया में माताओं का मान मर्तबा है क्या? है। बाबा आकर के मान मर्तबा बढ़ाता है। तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। हाँ कन्या नहीं होती तो माता कैसे बन जाती? तो वो ही बात हो गई, मुर्गी पहले के अंडा पहले। अपना अपना देह का भान खूब याद रहता है। ये देह का भान है क्या? मैं क्या हूँ? मैं माता हूँ, मैं कन्या हूँ। ये देह का भान नहीं है? है या नहीं है? कोई प्रश्न दिया है कि बाबा ने मुरली में बोला है 108 डिग्री 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास करना है, बाबा का क्लास मिस नहीं करना है, ये क्यों नहीं कहा कि 106 डिग्री बुखार हो तो भी सेवा करनी है? 106 डिग्री बुखार हो तो क्लास करना सहज है, या सफाई करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, भाषण देना, या भाग दौड़ करना, ये सेवा सहज है? हैं? क्लास करना तो सहज है, बाप टीचर बन करके क्लास कराता है, सुनने वालों को तो सिर्फ सुनना है और आंखों से देखना है। नहीं क्लास करेंगे तो भी कोई की बातें सुनेंगे और कुछ न कुछ आंखों से देखेंगे। इसलिए ये नहीं कहा कि 106 डिग्री बुखार हो तो सेवा करनी है, नहीं, क्या करना है? क्लास करना है। और बाबा आठ देवताओं की क्या विशेषता है
कौन सा ऐसा कर्म करते हैं जो आठ की लिस्ट में आते हैं, उनकी खास विशेषता कौन सी है? जब रिजल्ट निकलेगा तो पहले पहले किसका रिजल्ट निकलेगा, कौन सी माला का रिजल्ट निकलेगा? है आठ का रिजल्ट निकलेगा। उनका भी फाइनल पेपर क्या होगा? है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ फाइनल पेपर में काम आवेगा या अल्प समय का पुरुषार्थ काम में आवेगा? तो लंबे समय का पुरुषार्थ उनका ऐसा होगा ज्ञान में आने के बाद कि उनका जीवन देखने में आवेगा। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से एक बाप दूसरा न कोई, और देहधारियों से नष्ट मोह। बात करने की भी दिल नहीं होगी, फोन करने की भी दिल नहीं होगी, उनसे कुछ लेना देना भी नहीं होगा, उनके साथ जीवन बिताने की भी तमन्ना नहीं होगी। सिर्फ एक ही तमन्ना होगी, ईश्वरीय सेवा की। उनका जीवन आज से लेकर अंत तक देखा जाए। और मुरली में बोला है कि मैं 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। तो सवाल ये है कि 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था में ही क्यों प्रवेश करता हूँ, 80 साल में प्रवेश कर जाए, 20 साल में प्रवेश कर जाए? कम ज्यादा उम्र में क्यों नहीं प्रवेश करता है? क्या कारण है? कोई जवाब नहीं है। वान प्रस्थ का अर्थ है वाण माने वाणी, प्र माने प्रकट रूप से, स्थ माने स्थित, अर्थात जब वाणी से परे की स्टेज में स्थित होने की इच्छा होने लगे, बुढ़ापा कौन सी उम्र से शुरू होता है? 60 साल के बाद लगी लाठ। ज्ञान की लाठ ही लगती है 60 साल के बाद। कहते हैं कि जब तक दुनिया से मोह नष्ट नहीं होता तब तक के ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। ज्ञान का असली बीज पड़ता ही तब है जब दुनिया से वैराग आवे। भक्ति मार्ग में भी ये बात बोली गई है, बिनु वैराग विवेक न होई। क्या? बिना दुनिया से वैराग आए सच्चा ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। तो 60 वर्ष की अवस्था है, जब इंद्रियां शिथिल होने लगती है, दुनियावी कामनाओं की पूर्ति असंभव हो जाती है।
तो दुनिया से मोह नष्ट होने लगता है, वैराग आने लगता है मोस्टली। इसलिए बोला कि मैं 60 साल के अनुभवी तन में प्रवेश करता हूं, सगीर में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा जैसी नाबालिग बुद्धि में प्रवेश करे तो भी सफलता नहीं मिलती। हर प्रकार से अनुभवी चाहिए।